ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हमें हमारा स्वधर्म याद दिलाया। हमारा स्वधर्म है विचित्रता का, ये बहुत कम बाबा बोलते हैं। और आज बाबा ने मुरली में बोला है कि हम विचित्र आत्मा हैं, अर्थात देही अभिमानी है। तो ऐसा ही हमें फिर से बनना है, अपने इस धर्म में हमें स्थित होना है, मैं आत्मा हूँ ये पक्का निश्चय करना है। ऐसे ही बाबा आज हमें अव्यक्त इशारों में भी हमारा धर्म याद दिला रहे हैं। कौन सा धर्म है और क्या करना है उसके लिए, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। आप सभी बच्चों का यह ब्राह्मण जन्म मर जीवा जन्म है। मर जीवा बनना अर्थात अपनी देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर जाना। जैसे कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ भी पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे कोई और के थे, हमारे नहीं। जैसे ब्राह्मण गंदी चीज़ को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। आज बाबा ने हमें याद दिलाया कि हम इस समय पर कौन हैं। वैसे तो मुरली में कहा कि हम आत्मा हैं, लेकिन इस समय पर हम आत्मा ब्राह्मण रूप में हैं, ब्राह्मण वर्ण में हैं। ब्राह्मणों की तो लौकिक में भी बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं। जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं वो हर काम बहुत विधिवत करते हैं, हर काम के अंदर वो शौच और शुद्धि रखते हैं। तो आज बाबा ने हमें याद दिलाया कि ब्राह्मण हम कैसे बने। जब पुराने संस्कारों से मरे तब हम नए संस्कारों को, ईश्वरीय संस्कारों को धारण करके ईश्वरीय गोद में आए, तब हम ब्राह्मण बने। इसीलिए लौकिक में भी ब्राह्मणों को यादगार रूप से द्विज कहा जाता है। द्विज अर्थात जिसका एक ही जीवन में दूसरी बार जन्म हुआ। जब उनको जनेऊ पहनाते हैं तब उनको द्विज नाम मिलता है। तो ये रस्म भी किसकी यादगार है कि इस समय हमने बाबा को अपने सतगुरु के रूप से अपनाया है और उसकी श्रीमत की डोर से हम ऊपर से लेकर नीचे तक बंध गए हैं, जिसकी यादगार में जनेऊ पहनाया जाता है। और जब से हमने बाबा की श्रीमत को अपनाया है, खुद को उस श्रीमत की डोर में बांधा है, तब से हम मरजीवा द्विज जन्म वाले सच्चे ब्राह्मण हुए। तो इसलिए हम ब्राह्मण, जैसे वो लौकिक ब्राह्मण भी बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई भी गंदी चीज़ को ना छुए, छुएंगे तो स्नान करेंगे स्थूल रीति से, और ख़ास तौर से ध्यान रखते हैं जात पात का। तो ऐसे ही हमको भी जात पात का तो नहीं, लेकिन जो शूद्रपन के हमारे पुराने संस्कार हैं, जिसको बाबा ने कहा गंदगी, दूसरों के अंदर नेगेटिविटीज़ देखने का, दूसरों की कमियों को देखने का, इन अपने पुराने गंदे संस्कारों को त्याग करके हमें मन की शुद्धि रखनी है, मन से अपने संस्कारों को शुद्ध बनाना है, तभी हमारा ब्राह्मण जीवन, मरजीवा जन्म यथार्थ होगा। ओम शांति।